Okay, so now it's time to do some additional exercise question of AC current chapter. ऐसे additional exercise question पूछे नहीं जाते हैं, but ऐसा कोई rule नहीं है कि additional exercise question नहीं ही पूछे जाएंगे. किसी भी time पे कभी भी अगर paper set करने वाला उल्टी खोपड़ी का हुआ तो additional के question डाल सकता है वो. So थोड़ा भी risk नहीं लेने का, right? सब कुछ prepare करके जाने का. तो additional exercise AC current पहला chapter पहला question क्या कहता है देखो. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एलसी सर्किट. एलसी सर्किट है बेटा, मतलब एलसी ऑसिलेशन का सर्किट है ये. एलसी सर्किट कंटेन्स एल इक्वल टू, वी हैव एलसी सर्किट, इसका इंडक्टेंस एल दिया हुआ है 20 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस दिया है आपको 50 माइक्रो फैराडे. कैपेसिटेंस दिया है आपको 50 माइक्रो फैराडे. चलिए विद एन इनिशियल चार्ज, कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, कैपेसिटर का स्टार्टिंग का चार्ज हम लिखते हैं क्यूएम. कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है 10 मिली कूलम, दैट्स इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर. द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज टू बी टी इक्वल टू जीरो. जब आपने सर्किट एल और सी को जोड़ा दैट इज टाइम टी इक्वल टू जीरो. व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, इज इट कंसिडर्ड ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन, इज इट कंजर्व ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन. तो बेटा पहला टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी पहले किसके पास होगा, कैपेसिटर के पास. कितना एनर्जी होता है कैपेसिटर के पास, क्यू स्क्वायर बाई टू सी. क्यू ये रहा आपका, टू सी वैल्यू डाल देना आपको आंसर मिल जाएगा. विल दिस एनर्जी कंजर्व, यस. एलसी ऑसिलेशन का टोटल एनर्जी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. तो यस दिस एनर्जी इज कंजर्व्ड, राइट. चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट. बोलो बेटा एलसी ऑसिलेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC फाइंड कर लेंगे हम. एलसी ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी 1/√LC. नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल. तो बेटा कितने टाइम के बाद आपका एनर्जी चेंज हो जाता है. तो जीरो से लेके क्वार्टर साइकिल में एनर्जी सारी कहां चली जाती है, कैपेसिटर से इंडक्टर पे. वापस क्वार्टर साइकिल में एनर्जी इंडक्टर से कहां आती है, कैपेसिटर पे. वापस क्वार्टर साइकिल में एनर्जी कैपेसिटर से कहां जाती है, इंडक्टर पे. तो कैपेसिटर के पास सारी एनर्जी कब होगी, तो एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल कब होगी, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मतलब कैपेसिटर के पास एनर्जी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एट. तो बेटा स्टार्टिंग में सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, राइट. फिर T/4 के पास सारी एनर्जी कहां होगी, इंडक्टर पे. यस और नो, वापस T/4 के पास कहां आ जाएगी, कैपेसिटर के पास. तो कितनी बार हो गया T/4, दो बार. फिर 3T/4 पे वापस सारी एनर्जी कहां होगी, कैपेसिटर पे. 4 टाइम T/4 के बाद सारी एनर्जी कहां आ जाएगी, वापस कैपेसिटर पे. तो हर T/4 के बाद एनर्जी क्या होगी, ऑसिलेट होगी. 5T/4 वापस इंडक्टर, 6T/4 वापस कैपेसिटर. अब इसको T/2 करके लिख देना. चलो सारी एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगी, एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक बेटा. तो हर T/4 के बाद एनर्जी ऑसिलेट कर जाती है, तो एनर्जी कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगा. तो पहली बार सारा एनर्जी इंडक्टर के पास कब गया होगा, T/4 पे, राइट. पहली बार सारा एनर्जी बेटा इंडक्टर के पास कब गया होगा, T/4 पे. ध्यान दीजिए, राइट. 0 पे कैपेसिटर, 1T/4 पे इंडक्टर, 2T/4 पे कैपेसिटर, 3T/4 पे इंडक्टर, 5T/4 पे कैपेसिटर, सॉरी 4T/4 पे कैपेसिटर, 5T/4 पे वापस इंडक्टर. तो इस तरह हर T/4 के बाद एनर्जी बदलती रहेगी, कैपेसिटर इंडक्टर, इंडक्टर कैपेसिटर, राइट. तो वापस कब सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, 3T/4. वापस कब आएगी सारी एनर्जी, 5T/4 एंड सो ऑन. तो हर T/4 के बाद एनर्जी ऑसिलेट करता रहेगा. कैन यू अंडरस्टैंड दिस, इफ इट इज अ कैपेसिटर एंड इट इज इंडक्टर. तो कैपेसिटर के पास सारी एनर्जी कब होगी, जीरो टाइम पे. T/4 पे कहां आ जाएगी, इंडक्टर पे. 2T/4 पे कहां आ जाएगी, कैपेसिटर पे. 3T/4 पे कहां आ जाएगी, इंडक्टर पे. एंड यू हैव टू कैरी ऑन इट. नेक्स्ट क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली. टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली, तो दोनों के पास आधी आधी एनर्जी कब होगी, T/8 मिड टाइम. जीरो से लेके T/4 में सारी एनर्जी सामने चली जाएगी, तो T/4 टाइम के ऊपर आधी एनर्जी T/8 टाइम के ऊपर आधी एनर्जी कैपेसिटर में होगी, आधी एनर्जी इंडक्टर में होगी.
जीरो से लेके टी बाई फोर टाइम में सारी एनर्जी ट्रांसफर होके कहां चले जाएगी, इंडक्टर पे। तो जीरो से टी बाई फोर के बीच का टाइम क्या होता है, टी बाई एट। तो वो टाइम पे एनर्जी आधी कैपेसिटर पे होगी आधी इंडक्टर पे होगी। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन, एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन एल एंड सी। बेटा कौन सा है वो टाइम है आपका टी बाई एट। टी बाई एट के बाद वापस कौन सा आएगा, थ्री टी बाई एट और टू टी बाई एट, क्या आएगा, टी बाई एट के पार्टीशन करो। चलो टी बाई एट के पार्टीशन करोगे तो जीरो टी बाई एट, टू टी बाई एट, थ्री टी बाई एट, फोर टी बाई एट, फाइव टी बाई एट, सिक्स टी बाई एट, सेवन टी बाई एट। बेटा देखो समझो, यहां से आप स्टार्टिंग में सारी एनर्जी किसके पास है, स्टार्टिंग की सारी एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर। तो ये यार ये कौन है, कैपेसिटर। फिर यहां पे दोनों इक्वली, फिर ये सारी एनर्जी कहां चली गई, इंडक्टर। फिर वापस इक्वली रिटर्न आ रही है, फिर ये वापस कहां चली गई, कैपेसिटर। फिर वापस इक्वल हुई, वापस कहां आ गई, इंडक्टर। वापस इक्वल हुई और ये चलता जाएगा। तो आपका आंसर क्या क्या बनेगा बेटा, टी बाई एट बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, थ्री टी बाई एट, फाइव टी बाई एट, सेवन टी बाई एट एंड सो ऑन। इन सारे टाइम में कैपेसिटर का और इंडक्टर का एनर्जी कैसा होगा, सेम होगा, टोटल एनर्जी इक्वली बांटा होगा दोनों ने। अगला देखते हैं, इफ द रेजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज अ हीट। सो अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस डाल दोगे तो कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो इवेंचुअली सारा ही एनर्जी लॉस हो जाएगा। रेजिस्टेंस धीरे 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 करके सारे ही एनर्जी को डिसिपेट कर देगा, राइट। सो रेजिस्टेंस विल डिसिपेट, नंबर फाइव। सो रेजिस्टेंस डिसिपेट ऑल द एनर्जी इवेंचुअली इन फॉर्म ऑफ हीट। रेजिस्टेंस डिसिपेट ऑल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलसी ऑसिलेशन का। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप वैल्यूज खुद फाइंड करके आंसर डाल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक आउट एवरीवन। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, वी हैव इंडक्टर एल, ध्यान है यहां पे सबका, इंडक्टर एल इज 0.5 हेनरी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 100 ओम, ओके। It is connected to 240 volt 50 hertz supply. Connected voltage is always RMS. RMS voltage is 240 volt and the supplied frequency is 50 hertz. Let's find the omega from here. ऐसा कैसे चल रहा है जी? चलो omega क्या हो जाएगा? 2 pi f. 2 into pi into 50 कितना हो जाएगा? 314. पीछे वाले मुंह बंद रखे, इधर जान दे. Okay. चलो क्या find करना है? What is the maximum current in coil? चलिए करंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे हम, अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम डिवाइड बाय जेड, आई इक्वल टू वी बाय जेड। मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, आरएमएस इंटू रूट टू। मैक्सिमम करंट क्या होगा, आरएमएस इंटू रूट टू, राइट। जेड क्या हो जाएगा, जेड वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। You can put all the values, you will get the maximum current of circuit. Yes or no? Yeah. What do you want to find? What is the time lag between the voltage and current? Right? बेटा time lag पूछा है। अभी तक आपने phase lag करा है। हमारे पास जो formula है वो किसका है? Phase difference का है। हमें क्या करना है? Phase difference को convert करना है time difference में। हो जाएगा। Let's see, पहले phase difference find कर लेते हैं बेटा, फिर time difference पे चले जाएंगे। तो पहले find कर लेंगे phase difference. बेटा जाने यहां पर सबका, फेस डिफरेंस मतलब टेन फाइव। क्या लिखते हैं टेन फाइव हम, एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर। टेन फाइव इज एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर। सो यू राइट हियर टेन फाइव इक्वल टू एक्ससी, तो यहां पे है ही नहीं, एक्सएल विल बी ओमेगा इंटू एल डिवाइड बाई आर। तो यहां से आप क्या निकालोगे बेटा, फाइव निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे आप, फाइव का वैल्यू। आई विल टेल यू द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फाइव। योर फेस डिफरेंस कम्स आउट टू बी 57.5 डिग्री। कितना आ रहा है आपका फेस डिफरेंस, आ रहा है बेटा 57.5 डिग्री। अभी कुछ लोग कमेंट मार दे यूट्यूब पे कि इसको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, इसलिए सीधा आंसर छाप देता है। ऐसे ऐसे भी कमेंट आते हैं, डजंट मैटर। चलो
ओके, कैलकुलेशन करना बच्चों को आना चाहिए ना। हमारा काम तो क्या है, फॉर्मूला बताना। अभी हम थोड़ी कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसमें वैल्यू डाल के ऐसा आंसर आएगा। तो तुम लोग क्या करोगे फिर, कॉपी? चलो एनीवेज, ये फाइव आ गया। अब बेटा आपको क्या करना है पता है, इस फाइव को आपको टाइम में कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना है, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री अगर आपका है, तो 360 मतलब एक पूरा सर्कल, एक पूरा सर्कल मतलब एक पूरा टाइम पीरियड, एक पूरा सर्कल मतलब एक पूरा टाइम पीरियड। तो 360 डिग्री पे अगर एक पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो 57.5 डिग्री पे कितना टाइम होगा, दैट इज योर आंसर। समझे आप, 360 डिग्री में अगर एक पूरा टाइम पीरियड आ जाता है तो 57.5 डिग्री पे कितना टाइम पीरियड आएगा। तो व्हाट यू विल गेट, योर आंसर विल बी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 57.5/360 इंटू टी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नया सीखा आपने अभी। फेस डिफरेंस और टाइम डिफरेंस को रिलेट कैसे करते हैं, सिंपल सा है। ओके, चलो टाइम पीरियड कितना है बेटा, तो यू हैव ओमेगा गिवन, ओमेगा इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड मिल जाएगा, राइट? तो व्हाट विल बी योर आंसर, 57.5/360। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 1/ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको, 50। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस योर आंसर इज गोना बी 3.19 × 10⁻³, 3.19 × 10⁻³ सेकंड। बेटा ये करंट लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, क्योंकि तो इंडक्टर है सर्किट में, इंडक्टर क्या करता है, करंट को लैग करवाता है। तो दिस इज द टाइम लैग, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। Do you understand this question, everyone? This is something you have learned new. Phase difference to time difference कैसे convert करा जाता है? Simple सा logic आपको use करना है। अगला सवाल करें? हाँ आगे ना? हो जाए, चलो। Obtain the answer of A to B in exercise 7.13 if the circuit is connected to a very high frequency supply. कौन सा question answer करना है? 7. Obtain the answer of A to B in 7.13. When, if the high, very high frequency is supplied, कितना high frequency है? 10 kilohertz. तो आगे वाला ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपका L कितना था बेटा? 0.5. और R कितना था उसमें? What was the value of resistance? R equal to 100 ohm. बेटा supply voltage अभी भी कितना है आपका? 240 volt. But now, listen to me very carefully. Now, the frequency of source is 10 kilohertz, that is 10,000 hertz. क्या हुआ सालवे? So now omega will be equal to 2 pi f. How much will it be? 6.28 into 10,000. इतना अभी आपका बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आपने फ्रीक्वेंसी सोर्स एकदम बड़ा कर दिया, उससे क्या होगा, लेट्स चेक आउट। ओके, आपको ए टू बी दो आंसर लाने हैं। दो आंसर में पहला कौन सा था बेटा, मैक्सिमम करंट आना था आपको, दूसरा आपको लाना था फेस डिफरेंस, ठीक है ला देंगे। ओके, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर इन अ सर्किट नियरली अमाउंट्स टू एन ओपन सर्किट। व्हाट डू मीन बाय ओपन सर्किट? नो करंट विल फ्लो। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन डीसी सर्किट आफ्टर अ स्टेडी स्टेट? याद करो, ये हमने लिखा था, इंडक्टर स्टार्टिंग में करंट को अपोज करेगा डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट में इंडक्टर स्टार्टिंग में करंट को अपोज करेगा, बट एक बार करंट स्टेडी हो जाएगा उसके बाद इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ सिंपल रेजिस्टेंस, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा वो। यस और नो? ओके, सो इन डीसी सर्किट आप यहां पे आंसर लिख सकते हो, डीसी सर्किट में इंडक्टर इनिशियली अपोज द सेटअप ऑफ करंट, इंडक्टर इनिशियली अपोज the current, but when current becomes steady, keep quiet, when current becomes steady, then inductor has no role, then inductor behave like a simple resistance, inductor behave like a simple wire. चलो बेटा अब यहां पे जान दो, ये तो हमने डीसी का डिस्कशन कर लिया, डीसी इंडक्टर के साथ कैसे काम करता है, राइट? चलो एसी में आपने फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लगाया है, तो पहले ना हम एक्सएल फाइंड कर लेते हैं। एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस।
पेपर कैसा रहा आपका आज? इजी था? इजी नहीं था? कल के तो थियरी पूछे थे सारे। चलो ओके, एम एस धोनी का एक डायलॉग याद रखना मूवी का, वो रणजी मैच होता है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता अंडर 19 में, तब धोनी ऐसा कहता है कि हमको इतना पता चल चुका है कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इतने से कुछ नहीं होना है, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। अप्लाई टू यू ऑल्सो, अगर तुम्हारा पेपर, अगर तुम्हारा पेपर आज खराब गया है ना, देन रिलेट दैट लाइन विद यू कि इतने से कुछ नहीं होना है, तुमको और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो एनीवेज यहाँ पे आ जाओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा? एक्सेल, एक्सेल क्या होता है? ओमेगा इनटू एल। बेटा एक्सेल क्या होता है? ओमेगा इनटू एल, ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे, एक्सेल इज ओमेगा इनटू एल। ओमेगा भी बहुत ज्यादा है, कितना है? 6800 और एल कितना है? 0.5। तो बेटा कितना हो जाएगा? 3100 ओम हो जाएगा। अब तुम्हारा रेजिस्टेंस खाली 100 था और ये कितना हो चुका है? 31400 हो चुका है। इसका मतलब एक्सेल तो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट को वो पास ही नहीं होने देगा। दैट मींस इट्स एन ओपन सर्किट, करंट पास हो रहा नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस? सो हियर व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट हियर द जेड इंपीडेंस इज वेरी हाई, इंपीडेंस इज वेरी हाई, हेंस प्रैक्टिकली नो करंट विल फ्लो, hence practically no current will flow, practically no current will flow, practically कोई current flow होगा नहीं, that means it's an open circuit condition। तो बेटा हमें answer लाने, answer तो अभी हमें लाया ही नहीं है। तो पहला answer था maximum current, बेटा maximum current क्या हो जाएगा? maximum voltage divide by Z, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय जेड। मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो जाएगा? आरएमएस वोल्टेज इनटू रूट टू। अभी जेड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सएल भी होता है आर भी होता है, बट इस क्वेश्चन में एक्सएल बहुत बड़ा है, आर बहुत छोटा है। तो आप क्या करते हो, आर को यहां पे इग्नोर कर सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसमें आर बहुत छोटा है उसको इग्नोर कर दो, सो यू कैन गेट योर आंसर, इट इज रूट टू इंटू वी आर एम एस वैल्यू कितना है? 240 डिवाइड बाई एक्सएल कितना आया है? 31400। इससे आपको करंट मिल जाएगा बेटा। सेकंड आपको क्या फाइंड करना था? सेकंड आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज द टाइम लैग। अब देखो यहां पे इंडक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो जब खाली इंडक्टर होता है सर्किट में, ओनली इंडक्टर, देन व्हाट हैपेंस? करंट लैग्स बाय 90 डिग्री। ओनली इंडक्टर, व्हाट हैपेंस? करंट लैग्स बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री टाइम में कितना होगा? T/4। 90 डिग्री मतलब टाइम का कितना हो जाना है बेटा? T/4। ओके, सो हियर एज द इंडक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हियर एक्सएल इज डबल ग्रेटर देन आर, हेंस करंट लैग्स बाय 90, करंट लैग्स बाय पाई बाय 2 और टाइम में कितना होगा बेटा? T/4। करंट कितना लैग करेगा? T/4। तो इसको आप पूरा सॉल्व करें बिना भी आंसर लिख सकते हो, राइट? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप उसमें रेजिस्टेंस को इग्नोर ही कर दो, राइट? तो दिस कैन बी बिहेव लाइक, दिस कैन बिहेव लाइक ओनली सर्किट हैविंग इंडक्टर। कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? ओके, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे इंडक्टर के साथ तो इंडक्टर करंट को पास नहीं होने देगा, राइट? क्योंकि इंडक्टर जितनी बार भी करंट चेंज होगा उतनी बार उसको अपोज करेगा, दैट्स द नेचर ऑफ एन इंडक्टर। वो क्या करता है? करंट के इंक्रीज या डिक्रीज को अपोज करता है। जय कहां है बेटा तू, कहां है तू? एग्जाम तो खत्म हो गया, आप क्या पढ़ रहा है? नेक्स्ट, चलो बेटा सिमिलर क्वेश्चन, आई होप यू कैन सॉल्व इट। नाउ वी हैव 100 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इन सीरीज विद 40 ओम रेजिस्टर, सो वी हैव टू थिंग नाउ, कैपेसिटर 100 माइक्रो। ये चूहे धीरे धीरे आवाज करना बंद करे, चूहे ऐसा ही करते, बहुत आवाज करते रात के टाइम पे। तो मेरे घर पे है नहीं वैसे तो, पता है मुझे। दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, वोल्टेज दिया है बेटा 110 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 60 हर्ट्ज। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? व्हाट इज द टाइम लैग? करंट एंड टाइम लैग। चलो पहले क्या फाइंड कर लेंगे बेटा? जेड, जेड क्या होगा बोलो?
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल नहीं है यहाँ पे, राइट। एक्सी क्या होता है, वन बाई ओमेगा एल। ओमेगा फाइंड कर ले यहां से, सी लिखा है, ओमेगा फाइंड कर ले। ओमेगा क्या होगा, टू पाई एफ, कितना होगा बेटा ये ओमेगा 690.8, 376.8। चलो तो बेटा ये वैल्यू डाल देंगे यहां पे, आर है तुम्हारे पास, आर है तुम्हारे पास, ओमेगा है, कैपेसिटेंस है, वैल्यू डाल के क्या निकालेंगे, पहले जेड निकालेंगे। आई विल टेल यू द वैल्यू ऑफ जेड, 7.15 नंबर के क्वेश्चन में जेड का वैल्यू आ रहा है बेटा 48। चलो अब क्या फाइंड करना है आपको, मैक्सिमम करंट फाइंड करना है ना, तो करंट मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज बाई जेड। मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, आर एम एस वोल्टेज इंटू रूट टू, मैक्सिमम वोल्टेज आर एम एस इंटू रूट टू, आगे ना, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है, आर एम एस इंटू रूट टू डिवाइड बाई जेड, जेड आया 48। ये आर एम एस वैल्यू आप डाल देना, कितना है, 110 इंटू रूट टू डिवाइड बाई 48। चलो इसका आंसर बता देता हूँ, मैक्सिमम करंट विल बी 3.24 एम्पियर, राइट। आई एम यूजिंग दिस बुक एज अ रेफरेंस, अरे एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट यू वांट टू फाइंड टाइम लैग। बेटा टाइम लैग फाइंड करना है तो पहले क्या करेंगे, फेस लैग फाइंड करेंगे। वापस बोलो, फेस लैग कैसे फाइंड करेंगे, टेन फाइव इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, आगे ना, एक्सएल तो है ना इसमें, एक्सी क्या होगा, वन बाई ओमेगा सी डिवाइड बाई आर, दैट इज टेन फाइव वैल्यूज यू आर अवेलेबल विथ। इफ यू फाइंड द एंगल फाइव, योर एंगल वुड कम आउट टू बी 33.5 डिग्री। बेटा इसको किसमें कन्वर्ट करना है, टाइम में, तो क्या करेंगे, 360 डिग्री अगर होता है तो टाइम कितना होता है, टी, तो 33.5 डिग्री पे टाइम कितना होगा बेटा, टाइम हो जाएगा आपका 33.5 डिवाइड बाई 360 इंटू टी। चलो टाइम पीरियड क्या होना है बेटा, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.55 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकंड। अच्छा टाइम लैग, लीडिंग और लैगिंग, कैपेसिटर है, कैपेसिटर है लीडिंग के लैगिंग, लीडिंग, तो द करंट लीड्स वोल्टेज, ये लिखना है आपका, करंट लीड्स वोल्टेज बाय दिस टाइम। सो अगेन आई विल मार्क दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेज डिफरेंस टू टाइम डिफरेंस का कन्वर्शन। रिस्टोर एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन द आंसर टू ए एंड बी इन 7.15। इसी में, इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू 12 किलोहर्ट्ज़ सप्लाई, कितना सप्लाई है, 12 किलोहर्ट्ज़ सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया, 12 किलोहर्ट्ज़। चलो यही आंसर लाना है, क्या क्या चीजें आपको दिया है, कैपेसिटेंस दिया है बेटा 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैराडे, रेजिस्टेंस कितना दिया था उसमें आपको 40। चलो आरएमएस वोल्टेज कितना दिया है बेटा आपको, 110, एंड फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 12 किलोहर्ट्ज़, 12000 हर्ट्ज। ओ हो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट द कैपेसिटर इज अ कंडक्टर, मतलब कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं रहेगा, इट बिकम लाइक अ कंडक्टर, इट हैज नो रोल इन सर्किट। सो लेट्स फाइंड आउट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या होता है बेटा, 1 बाई ओमेगा कितना है, 2 पाई एफ, चलो 2 इंटू पाई, फ्रीक्वेंसी है 12000, एंड सी वैल्यू कितना है, 10 पावर माइनस 4, दिस विल बी 10 पावर माइनस 4 फैराडे, आगे ना, विल यू फाइंड आउट व्हाट विल बी दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 0.133। तो बेटा ये वैल्यू आएगा आपका 0.133 ओम। ओह कितना छोटा हो गया, देखो रेजिस्टेंस एक्सी बहुत छोटा हो गया बेटा, आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 40 था, उसके सामने एक्सी खाली कितना हो गया, 0.133। तो यहां पे एक्सी इज डबल लेस देन योर अप्लाइड रेजिस्टेंस आर, मतलब ऐसा मान लो कि ये सर्किट में है ही नहीं, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस खाली कितना है, 0.133 है, ना के बराबर। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन से हियर योर करंट, हियर योर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ कंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बहुत कम आ रहा है, तो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक कंडक्टर। चलो बेटा आगे देखते हैं,
ओके सेकंड पार्ट का भी आंसर लाना है। सेकंड पार्ट क्या था बेटा? फर्स्ट पार्ट वाज मैक्सिमम करंट, चलो करंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम वोल्टेज RMS इंटू रूट टू, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई जेड। जेड में दो पार्ट होते हैं, आर भी होगा और एक्सी भी होगा, बट यहां पे एक्सी बहुत कम है, यहां पे एक्सी बहुत कम है, तो एक्सी को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते ही आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 है ना ये। ओके जो मैक्सिमम करंट वुड कम आउट टू बी 2.75 एम्पियर, कितना आएगा ये? 2.75 एम्पियर, दैट्स अ मैक्सिमम करंट। यू ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड सेकंड आंसर, सेकंड आंसर क्या था बेटा? टाइम लैग। अब सुनो, टाइम लैग सॉल्व करे बिना डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना होगा बोलो टाइम लैग? एनी आइडिया टाइम लैग कितना होगा? एनी आइडिया? थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू हैव इन सर्किट? आर एंड सी, कैपेसिटेंस तो बहुत कम है, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस तो बहुत कम आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 0.133। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को तो इग्नोर कर दो, तो अब सर्किट में बचा कौन? खाली रेजिस्टेंस, और खाली रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज दोनों कैसे होते हैं? सेम फेस। सो वी कैन राइट हियर एज एक्सी इज डबल लेस देन आर, एज एक्सी इज डबल लेस देन आर, दैट मीन्स द सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, सर्किट कैन बी कंसिडर्ड प्योर रेजिस्टिव, सर्किट कैन बी कंसिडर्ड प्योर रेजिस्टिव, हैंस द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, तो टाइम डिफरेंस भी कितना होगा? जीरो, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में फेस डिफरेंस नियरली क्या होता है? जीरो होता है। तो यहां आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इट इज जीरो। ओके, नाउ कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। बेटा कैपेसिटर डीसी सर्किट याद करो, क्या सीखा था हमने? डीसी सर्किट में जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसके बाद वो करंट फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि डीसी सर्किट की अगर आप बात करोगे तो बेटा डीसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो। डीसी है ना, चेंज नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी इज जीरो। तो आपका एक्सी क्या होता है? 1/ωc। ओमेगा क्या है? जीरो। 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी, मतलब उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा डीसी में, मतलब वो करंट पास ही नहीं होने देगा, दैट मीन्स इट विल नॉट अलाउ करंट वंस इट इज चार्ज, नॉट अलाउ करंट वंस इट इज कंप्लीटली चार्ज। ओके, अंडरस्टूड? Should we do the next question now? Let's see what is the next question. The next question is, it is Deepak is absent today. Aditya is absent today. Okay, anyways, next question. Okay, read the next one, beta. Kya diya hai? Question padha, chalo sab log. Read this question number 17, everyone. Read this question, everyone. Okay, now we have LCR, but they are arranged in parallel. अभी तक आपने जो भी सीखा है ना उसमें LCR कैसा था? सीरीज में था। That's the first question when LCR is in parallel. You want to find, show that the total current in the parallel LCR circuit is minimum at this frequency. Which frequency? Keeping the source frequency equal to resonating frequency of series. Right? So LCR AC ka resonating frequency kya hota hai? LCR AC resonating frequency. LCR AC resonating frequency kya hota hai? 1/√LC. Aapko ye frequency rakhna hai source ka.
और ये फ्रीक्वेंसी आपको अप्लाई करना है किसे, एलसीआर को कनेक्ट करना है पैरेलल में, एल सी आर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद एसी सप्लाई वोल्टेज, जिसका सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 1/√LC, राइट। आपको आंसर देना है कि LCR सर्किट इज मिनिमम, ओके, थ्री एलिमेंट्स एल सी एन आर अरेंज इन पैरेलल शो दैट टोटल करंट इन द पैरेलल LCR सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी पे सीरीज में करंट कैसा होता है, मैक्सिमम। इस फ्रीक्वेंसी में सीरीज में क्या हो जाता है, रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है, सीरीज में अगर कनेक्ट करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस मीन करंट बिकम मैक्सिमम। अब यही फ्रीक्वेंसी अगर आप पैरेलल को अप्लाई करोगे तो करंट कैसा हो जाएगा, मिनिमम, ये आपको प्रूव करना है। यू ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड ऑब्टेन द करंट RMS वैल्यू इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट ऑफ एलिमेंट एंड सोर्स स्पेसिफाइड इन एक्सरसाइज 7.11 फॉर दिस फ्रीक्वेंसी। वो आपको तीन वैल्यू लाने हैं, LCR के बाद में लाते हैं, पहले इतना प्रूव करते हैं। चलो जाने यहां पे, सो वी राइट यार इन पैरेलल। चलो पैरेलल में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को उल्टा करके ऐड करते हैं। सो वी कैन राइट 1/Z इक्वल टू 1/R प्लस 1/Z इक्वल टू 1/R प्लस 1/XL माइनस 1/XC। उल्टा कर दिया हमने, 1/XL माइनस 1/XC, ये हो गया आपका पैरेलल का 1/Z, ओके। ये किस फॉर्म में, ये आपका फेजर फॉर्म में, दिस इज द फेजर फॉर्म, ओके। तो वी कैन राइट द वैल्यू इज, दिस इज इन फॉर्म ऑफ फेजर, ये फेजर रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, फेजर रिलेशन, ओके। सी हाउ कैन यू डिराइव दिस, यू कैन वेरी सिंपली डू इट। तीनों कंपोनेंट पैरेलल में बेटा, सुनो, तीनों कंपोनेंट पैरेलल में, तो पैरेलल में सेम क्या होगा, तीनों का वोल्टेज। तो लेट्स से ये वोल्टेज का फेजर है, वोल्टेज कैसा होगा पैरेलल में, सेम होता है कि नहीं, राइट। तो रेजिस्टेंस का करंट कैसा होगा, सेम फेस में, ये IR। इंडक्टर का करंट बिछड़ जाएगा एंड कैपेसिटर का करंट आगे जाएगा, ऐसा नो। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज मान लेते हैं कि इतना बचा, जादू हो गया, ओके। क्या कर रहा था मैंने, वापस ही करना पड़ेगा, चलो 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 कोई नहीं, अटेंशन एवरीवन प्लीज। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम फ्रॉम ऑल कंपोनेंट, पैरेलल कंडीशन वोल्टेज इज सेम फ्रॉम ऑल द कंपोनेंट, करंट सबका अलग अलग होगा। यहां पे करंट क्या है, IR फॉर रेजिस्टेंस। सपोज ये इंडक्टर का करंट है जो लैग कर रहा है 90 से, और ये कैपेसिटर का करंट है जो लीड कर रहा है 90 से, राइट। आपने सीरीज में क्या करा था, करंट सेम करा था, सीरीज में आपने करंट सेम करा था और वोल्टेज अलग अलग बनाया था। पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग बनाया, इंडक्टर का लैगिंग, कैपेसिटर का लीडिंग। अब इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज मान लो इतना बचा, कितना बचा, ये IL माइनस IC, तो कितना बचा बेटा, ये IL माइनस IC। तो आपका नेट करंट क्या हो जाएगा, विल डू इट लाइक दिस, दिस इज द नेट करंट I। तो आप पाइथागोरस से करंट बनाओगे ना, तो योर नेट करंट I वुड कम आउट टू बी I स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, एक साइड क्या होगा IR स्क्वायर, दूसरा साइड क्या होगा IL माइनस IC स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो वहां पे ना पैरेलल में ये करंट का रिलेशन बनेगा, सीरीज में ऐसा ही सेम वोल्टेज का बना था, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर और VC माइनस VL स्क्वायर। पैरेलल में वही सेम रिलेशन किसका बनेगा, करंट का। नाउ व्हाट इज I, I इक्वल टू V/R। तो अगर आप यहां से आप बनाना चाहते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1/Z² कैन बी रिटन एज I इक्वल टू 1/R। सो 1/Z² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/R² प्लस यहां क्या होगा 1/XL माइनस 1/XC होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/Z² फॉर पैरेलल। कैन यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो हमने फेजर से समझा इसको, ठीक है। तो योर वैल्यू वुड बी, इसका अंडर रूट कर लो बेटा, सो 1/Z वुड कम आउट टू बी 1/R प्लस होल स्क्वायर का क्या करेंगे हम, अंडर रूट। तो ये हो गया 1/Z, ओके। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको फ्रीक्वेंसी कितना रखना है, 1/√LC। फ्रीक्वेंसी कितना रखना है आपको, 1/√LC। चलो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1/Z वुड बी 1/R² प्लस XL क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, XC क्या होता है 1/ओमेगा C।
होल स्क्वायर, राइट आगे ना। इफ आई पुट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ओमेगा एल एन वन बाई ओमेगा सी सेम होता है। ये फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल एन वन बाई ओमेगा सी कैसा होता है, सेम होता है कि नहीं, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था। तो अगर मैं वो फ्रीक्वेंसी यहां रखता हूं, इफ यू पुट द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई रूट एल सी, तो ये फ्रीक्वेंसी भी तो क्या होगा बेटा, वन बाई ओमेगा एल एंड ओमेगा सी कैसा हो जाएगा, सेम। या ओमेगा एल एंड वन बाई ओमेगा सी कैसा हो जाएगा, सेम। मतलब ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स वन बाई जेड खाली क्या बचेगा, वन बाई आर। इसका मतलब वन बाई जेड कैसा हो गया, मिनिमम। अगर बेटा वन बाई जेड मिनिमम है तो जेड कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इनवर्स है। अगर जेड मैक्सिमम है तो करंट कैसा होगा, मिनिमम। अगर जेड मैक्सिमम है तो करंट कैसा होगा, मिनिमम। गई कुछ बात भेजे में, तो पहले आपने ना रिजल्टेंट जेड बनाया, अभी जेड में अगर आप ये फ्रीक्वेंसी डालोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वन बाई जेड में खाली वन बाई आर ही बचेगा। मतलब वन बाई जेड कैसा हो गया, मिनिमम। वन बाई जेड अगर मिनिमम है, इसका मतलब जेड कैसा होगा, मैक्सिमम। अगर जेड मैक्सिमम है तो करंट कैसा होगा, मिनिमम। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाई जेड। अगर जेड मैक्सिमम है तो करंट कैसा होगा, मिनिमम। तो सीरीज सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हुआ था, पैरेलल में वही फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसा हो जाएगा, मिनिमम। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ। चलो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐसा पूछा है, ऑब्टेन द करंट आरएमएस वैल्यू इन ईच ब्रांच। तीनों ब्रांच में आपको बताना है करंट कितना जा रहा है। लेट्स से यहां पे करंट जा रहा है आईएल, यहां करंट जा रहा है आईसी, यहां करंट जा रहा है आईआर। ठीक है, आपको तीनों करंट फाइंड करने हैं। तीनों को वोल्टेज क्या मिलेगा, सेम जो बैटरी का है। तो क्वेश्चन आपको वोल्टेज कहां से लाना है, 7.11 से लाना है। लेट्स से कितना वैल्यू था, तो ये रहा 7.11 में आपका वैल्यू था वोल्टेज का बेटा 230, राइट। और आपको आरएलसी कितना दिया था चेक कर लो, 580 माइक्रो एंड 40, याद रखना भाई मैं भूल जाऊंगा, 580 माइक्रो एंड 40। इधर गया, ओ स्लाइड नहीं है, गलत बात, एक स्लाइड ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें चल रहा है अभी। ऐसा क्वेश्चन चार मार्क में आता है ना, तो 100 में से 90 लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो करके नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। चलो बोला जाने यहां पे, अब फाइंड कर लेते हैं करंट फ्रॉम ऑल ब्रांच। चलिए करंट फ्रॉम ऑल ब्रांचेस। चलो बेटा करंट फ्रॉम इंडक्टर, करंट फ्रॉम कैपेसिटर, करंट फ्रॉम रेजिस्टर। ठीक है, चलो करंट क्या होता है, वीआरएमएस डिवाइड बाय आई है तो क्या लिखेंगे, एक्सएल। आरएमएस कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे, एक्सी। और रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, आर। बेटा इधर आओ, इतना पढ़ा के देखो, पता चलेगा कितनी बार तुम्हारी पिपुड़ी बच जाती है। आरएमएस वैल्यू कितना था, 230। एक्सएल, एक्सएल ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा कौन सा लेना है तुमको, रेजोनेंस वाला लेना है ना। इस क्वेश्चन में तुमको ओमेगा कौन सा लेना है, वन बाई रूट एल सी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 में से उठा गया, एल कितना था, 5, और सी कितना था, 80 माइक्रो। ठीक है, ये वाला फ्रीक्वेंसी आपको इधर रखना है बेटा। एक्सएल क्या होगा, ओमेगा इंटू एल, कंपोनेंट लिख दे यहां पे। एल कितना था, 80 माइक्रो फेराडे, ये सी था। एल कितना था, 5 हेनरी। आर कितना था, 440। ये डेटा आपको दिया था, राइट। और वोल्टेज का वैल्यू कितना था, 230। क्वेश्चन नंबर 11 से उठा के लाना है सब कुछ, चेक कर लेना आप एक बार। ओके, सो वी विल पुट दिस वैल्यूज हियर। अब ये वैल्यू रखने से ना इसका आंसर आएगा 0.92। कितना आंसर आएगा बेटा, 0.92 एम्पियर। चलो इसमें आप सॉल्व करोगे 230, 1 बाय ओमेगा सी रख के सॉल्व करना, इसका भी आंसर आएगा सेम। रेजिस्टेंस में आप रखना बेटा 230 डिवाइड बाय आर, ये आएगा 5.75। तो ये तीनों ब्रांच का करंट आ गया है। अब सुनना ध्यान से, यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम अलग कलर लेंगे यहां पे। व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट फ्रॉम सोर्स कितना होगा, टोटल करंट फ्रॉम सोर्स। हमने आगे फॉर्मूला बनाया बेटा, आई स्क्वायर इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस
IL minus IC square. If you can see, ये रहा पैरेलल में किसका फॉर्मूला बनना है, करंट का. पुट द वैल्यूज यार, IR कितना है 5.75 और ये दोनों कैसे है 0.92 कैंसिल हो जाएंगे. तो भाई सोर्स में तो खाली कितना करंट आएगा 5.75 एम्पियर ही आने वाला है टोटल करंट, क्योंकि बेटा ये दोनों करंट जो है ना उसमें से एक करंट 90 पे लीड कर रहा है, एक करंट 90 पे लैग कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनके बीच में फेस डिफरेंस कितना है 180 का है ना, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे और यही वाला खाली जो है वो सोर्स प्रोवाइड करेगा. तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन सीखा, एलसीआर एसी पैरेलल सर्किट. अंडरस्टूड? तो पैरेलल सर्किट में रिलेशन किसका बनेगा, करंट का बनेगा, क्योंकि करंट सब में अलग अलग होगा, वोल्टेज सेम होगा, राइट. एंड अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चन फिर आगे सॉल्व करना होता है. ये कितने क्वेश्चन है एडिशनल में, 26 ही है खाली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्किट कंटेनिंग, ध्यान यहां पे, सर्किट कंटेनिंग 80 मिली हेनरी इंडक्टर. चलो एल कितना है बेटा 80 मिली हेनरी. 6 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर, सी कितना है 6 माइक्रो फैराडे, 60 माइक्रो फैराडे इन सीरीज इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई. तो आपके पास आरएमएस वैल्यू है बेटा 230 वोल्ट एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, दोनों कैसे कनेक्ट करें आपने सीरीज में, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है. ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, हो जाएगा. क्या फाइंड करेंगे पहले हम, Z फाइंड कर ले पहले. Z से पहले क्या फाइंड कर लेना, XL ओमेगा इंटू L XC 1 बाई ओमेगा C एंड Z कितना हो जाएगा, Z वुड बी XC माइनस XL, क्योंकि R नहीं है ना सर्किट में, खाली कौन है XC XL ही है. तो Z क्या हो जाएगा XC माइनस XL, R वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो इतना बचेगा खाली. सो आप पहले Z फाइंड कर लोगे. चलो Z से आपको क्या चाहिए, करंट का एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू. चलो तो पहले करंट का आरएमएस वैल्यू फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा बेटा VRMS डिवाइड बाय Z और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा रूट टू इंटू IRMS. फाइंड कर लोगे वैल्यूज, फाइंड कर लोगे वैल्यूज. खाली सर्किट में कौन है XL XC है, तो Z आया वो यहां पर रख देना, करंट रख देना. चलो अब क्या मिलेगा आपको, सेकंड क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप. चलो पोटेंशियल ड्रॉप का RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर, क्या लेंगे यहां पे XL, वी आर यूजिंग V इक्वल टू आई आर ओनली. सिमिलरली RMS वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर, I इंटू XC, ये हो गया अक्रॉस द कैपेसिटर. यस और नो, मैं वैल्यू रख के कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है. वैल्यूज आप खुद भी डाल सकते हो, होमवर्क में आपको करना है. व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट कितना होगा, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट. सो एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट, बेटा पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. बेटा कॉस फाई क्या होता है, सुने, कॉस फाई पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड. इस सर्किट में आर है ही नहीं, इस सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, है क्या रेजिस्टेंस सर्किट में, दरअसल बेटा कितना है रेजिस्टेंस, है ही नहीं, है तो सही है रहा ना, कहां गया था रेजिस्टेंस, है तो लिखा था रेजिस्टेंस, कितना है बता, कितना है रेजिस्टेंस, तो बोलना ऐसे कैसा, नेग्लिजिबल लिखा है, कहां बोला, बोला था. चलो तो आर कितना है बेटा, जीरो है, आर जीरो है, मतलब ये पावर फैक्टर क्या हो गया जीरो, तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगा जीरो. वैसे भी कैपेसिटर और इंडक्टर कोई पावर लॉस करते नहीं है, अगर रेजिस्टेंस होगा तो ही पावर लॉस होता है, कैपेसिटर इंडक्टर तो स्टोर करके वापस रिलीज कर देते हैं एनर्जी, तो पावर है कितना हो जाएगा जीरो.
चलो व्हाट इज एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर, सेपरेट सेपरेट पूछा है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर पूछा है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू कैपेसिटर पूछा है, और लास्ट में आपको फाइंड करना है एवरेज पावर थ्रू जीरो ही आना है सबका आंसर। चलो ये कौन सा है एवरेज पावर, मैंने कितने वैल्यू फाइंड कर दिए, पहला ये हो गया आपका करंट का वैल्यू, सेकंड हो गया आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, थर्ड एवरेज पावर। अब एवरेज पावर अक्रॉस द कैपेसिटर ले लो, एवरेज पावर अक्रॉस द इंडक्टर ले लो, कि एवरेज पावर टोटल ले लो जीरो ही रहना, क्योंकि ना कैपेसिटर पावर स्टोर करता है लॉस करता है, ना इंडक्टर पावर लॉस करता है, ना कॉम्बिनेशन पावर लॉस करेगा। सो वी कैन राइट यहां, ये मैंने टोटल पावर लिखा बेटा, ये कौन सा पावर लिखा है टोटल पावर, ये ई का आंसर है, ये ई का आंसर है एवरेज पावर, राइट। अगर आपको डी का आंसर चाहिए, डी के पहले कौन है सी है, अगर सी का आंसर चाहिए तो बेटा एवरेज पावर अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि कोई पावर लॉस इंडक्टर करता नहीं है, राइट। सिमिलरली पावर अक्रॉस द कैपेसिटर ये भी क्या होगा जीरो, क्यों ऐसा, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव, बोथ ऑफ देम हैव पावर फैक्टर जीरो, इन दोनों का पावर फैक्टर क्या होता है जीरो होता है, तो उनका पावर भी क्या होगा जीरो होगा, राइट। ओवरऑल पावर भी कैसा रहेगा जीरो ही रहने वाला है, जब तक सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तब तक कोई पावर लॉस होना नहीं है, जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा पावर लॉस होगा, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी कंपोनेंट पावर बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं है। अगला सवाल नंबर 19, चलो क्या पूछा, सपोज इन दिस एक्सरसाइज 7.18, इनको बड़ा मजा आता है क्वेश्चन लिंक करने में। अब रजिस्टर आया होगा, देखो कितना रजिस्टर है, अब 15 ओम रजिस्टर है, देन ऑब्टेन द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट एंड नाउ द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड। तो अब तुम्हारे पास बेटा तीनों कंपोनेंट है, सुनो एल कितना है 80 मिली, सी कितना है 60 माइक्रोन, ठीक है ध्यान यहां पे, और अब रेजिस्टेंस भी आ गया, कितना आ गया बेटा 15 ओम। अब आपको फाइंड करना है एवरेज पावर कितना होगा, बताओ, विल फाइंड आउट द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट, एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट एंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इसमें आप, लेट्स से पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर अगेन जीरो, क्योंकि इंडक्टर कोई पावर कभी लेता है ही नहीं। पावर ट्रांसफर टू कैपेसिटर जीरो, क्योंकि इन दोनों का फेस डिफरेंस क्या होता है 90 होता है, तो इन दोनों के लिए पावर फैक्टर क्या होता है जीरो होता है। जो पावर खाएगा वो कौन खाएगा, रेजिस्टेंस, कितना पावर खाएगा वो देखते हैं। चलो तो पावर अक्रॉस द रेजिस्टर बेटा ध्यान यहां पे, पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या करेंगे, पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर यूज करो, सिंपल करो, पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, सो वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाई आर, क्या फॉर्मूला यूज करा, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में 230, चेक करो बेटा कितना आंसर आ रहा है, 230 स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना दिया 15, कितना पावर लॉस करा देखो तो ये कितना आया 3526 वॉट 0.6, तुम कर ले जाना, इतना पावर लॉस किया कितने खाली रेजिस्टेंस ने। चलो टोटल पावर क्या होगा जान देना, तो इसमें आपका टोटल पावर होगा बेटा, टोटल पावर विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, यू कैन ऑल्सो राइट वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाई जेड इंटू क्या करना पड़ेगा यहां पे आपको कॉस फाइव, वी स्क्वायर आर एम एस बाई जेड डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा हमें कॉस फाइव, ओके। आपका आंसर कितना आया 3526 आया, अब चेक करो
इनका आंसर 790.6 आ रहा है। यहाँ पे नीचे डिवाइड बाई जेड करना पड़ेगा ना, यहाँ नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई जेड। ये सब लोग बर्थडे पार्टी में गए थे, महक, लीजा, सब लोग पता नहीं क्या खा के आए हैं, बीमार होकर आए सब लोग। और कौन गया था यहाँ से, लिंसी भी गई थी, वो भी एबसेंट है। तू भी गई थी, तू बीमार नहीं होगी, तुझे भी कुछ नहीं हुआ। चलो ध्यान यहाँ पे सबका, ए यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, वी स्क्वायर आर एम एस बाई जेड लेना पड़ेगा। जेड क्या होगा बेटा, जेड वुड बी अंडर रूट ऑफ, ए जेड वुड बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इससे आपका आंसर आएगा 790 के आजूबाजू आएगा। और जितना पावर रेजिस्टेंस के पास होगा बेटा, वही सारा पावर टोटल सर्किट के पास भी होगा, बिकॉज कैपेसिटर एंड इंडक्टर कोई पावर को लॉस करते नहीं है। सो वी राइट हियर, हैंस टोटल पावर इज ऑल्सो, हैंस टोटल पावर इज ऑल्सो द पावर विद द रेजिस्टर आर। तो वापस यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर का पावर जीरो, बिकॉज फेस डिफरेंस 90, पावर फैक्टर जीरो होगा, टोटल पावर इज जीरो। रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जेड। जेड आपको फाइंड करके वैल्यू रखनी पड़ेगी, 746 आंसर आएगा आपका। राइट, टोटल पावर कितना होगा जितना रेजिस्टर के पास है। ओके चलना, विल हैव अ स्मॉल ब्रेक अ फ्यू मिनट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चंस। ओके फाइन, जो लास्ट पार्ट हमने किया था इसका, उसका आंसर आपका गलत आएगा, तो उसका सही आंसर कर लेते हैं पहले। सो पावर अक्रॉस द रेजिस्टर पीआर, राइट। तो ये पावर अक्रॉस द रेजिस्टर इज नथिंग बट द टोटल पावर, एंड टोटल पावर क्या होता है, एसी सर्किट का वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस इनटू कॉस फाई। ओके दैट इज वीआरएमएस इनटू, व्हाट इज आईआरएमएस, वी बाय जेड। आईआरएमएस क्या होता है, वी बाय जेड। कॉस फाई पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड। कॉस फाई पावर फैक्टर आर बाय जेड। सो व्हाट फॉर्मूला यू आर गेटिंग, वी स्क्वायर आरएमएस डिवाइड बाय जेड स्क्वायर इनटू आर। नाउ यू पुट द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर, राइट। अब आप यहां पे वैल्यू डाल देना, वोल्टेज आरएमएस वैल्यू आपके पास है 230, कहां गया, आगे वाले क्वेश्चन का ही लाना है। तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू रखेंगे बेटा यहां पे 230 का स्क्वायर, जेड की जगह क्या रखेंगे हम, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो अंडर रूट आपको नहीं लगाना है, ये ओवरऑल स्क्वायर है तो अंडर रूट लगाना नहीं है, इनटू आर। इसको सॉल्व करना तो आपका आंसर आएगा 790 अराउंड कुछ है, आंसर 790 पॉइंट जैसा कुछ आंसर है। एंड टोटल पावर भी कितना रहेगा, जितना पावर है अक्रॉस द रेजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर एंड कैपेसिटर कुछ भी पावर लॉस होने देते नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस सॉल्यूशन। चलो बेटा अगला सवाल क्या कहता है, एलसीआर एसी सीरीज सर्किट, एल सी आर वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम रेजोनेंस, ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू। बेटा मैक्सिमम करंट कब होता है, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√LC, फाइंड कर लेंगे सब लोग। चलो करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय आर, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तब एक्सएल एक्सी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। करा था थियरी में ये सब, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस करंट इज इक्वल टू वी बाय आर ओनली। चलो वी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा, √2 × RMS डिवाइड बाय आर। यहां पे आप लिख सकते हो हियर एक्सएल इक्वल टू एक्सी, वैल्यू फाइंड करेंगे, एल भी है सी भी है, सारे वैल्यू यहां पे डाल देना, आपको करंट का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। चलो बेटा सेकंड क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम।
एवरेज पावर मैक्सिमम कब होगा? एवरेज पावर मैक्सिमम कब होगा? जब करंट मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सएल एक्सी कट हो जाएंगे। तो वही सेम आंसर आपको लिखना है, दैट फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, अगर आपको पावर मैक्सिमम चाहिए तो करंट कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम क्या होगा? एक्सएल एक्सी कब कैसा होना चाहिए? सेम। एक्सएल एक्सी कब सेम होगा? जब फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 1/√LC। तो वही सेम आंसर आपको इधर भी टप्पा के लिखना है। लेट मी चेक इट। ओके, फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विद द एवरेज पावर। ओके चलो नेक्स्ट देखते बेटा। इसका आंसर आपका 4167 आने वाला है। नेक्स्ट क्या पूछा है? फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज द पावर, अब ये देखना, फॉर विच फ्रीक्वेंसी द पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ पावर। कौन सा फ्रीक्वेंसी है जहां पे पावर हाफ रहेगा? कौन सा फ्रीक्वेंसी है जहां पे पावर हाफ रहेगा? याद करो, हाफ पावर बैंडविथ क्या होता है? R/L। सो हाफ पावर बैंडविथ क्या होता है बेटा? हाफ पावर बैंडविथ। ये इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है ये, हाफ पावर बैंडविथ। बेटा क्या लिखा था आपने? 2 Δω लिखा था। क्या होता है ये? R/L। आगे ना, तो 1 Δω क्या हो जाएगा बेटा? 1 Δω हो जाएगा आपका R/2L। अब आपको कुछ याद दिलाता हूं मैं, आपने ऐसा लिखा था ω0 + Δω = ω1। सो Δω कैन बी रिटर्न एज ω1 - ω0। और दूसरा फ्रीक्वेंसी आता है जहां पे Δω क्या हो जाएगा? ω1 + ω0। यू हैड टू फ्रीक्वेंसी ना, एक कम फ्रीक्वेंसी था ω2, एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी था ω1। आगे ना, तो ये जो आपको Δω मिला है ना, ये Δω और कुछ नहीं है, ये है ω+ or −ω0। ω+ω−, यू अंडरस्टैंड दिस? तो हमें यहां से दो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है बेटा, इट इज इक्वल टू R/2L। तो आपको दो फ्रीक्वेंसी यहां से मिलेगी। आपको जो पहला फ्रीक्वेंसी मिलेगा, या फिर आप सिंपली ऐसा करो, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, आपने Δω फाइंड कर लिया ना। सो बेटा आपका ω1 क्या था? ω0 + Δω था। और आपका ω2 क्या था बेटा? ω0 - Δω। ω0 आपने पहले ही फाइंड करा, ये रहा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। विल पुट इट हियर, ω0 कौन सा फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस, 1/√LC। और क्या पूछा है? एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हाट इज द करंट एट दिस फ्रीक्वेंसी। बोले इस फ्रीक्वेंसी पे करंट कितना होता है? याद है थियरी की शुरुआत कहां से करी थी? Im/√2। Im/√2 करंट कितना होता है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर? Im/√2 थियरी में था ये। एट दिस फ्रीक्वेंसी करंट इज इक्वल टू Im maximum/√2। डू वी हैव द Im maximum? हमने फाइंड किया है क्वेश्चन में, Im maximum नहीं किया है। चलो Im maximum क्या होगा बेटा? मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? Vm/R। करंट का मैक्सिमम वैल्यू Vm/R। पूरा अटेंशन रखो बेटा, 2-3 घंटे में हिल जाते हो पूरा, तो थोड़ी चलता है। I = V/R मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय क्या करेंगे? √2। तो ये हो गया आपका करंट। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज अ क्यू फैक्टर? क्या फॉर्मूला है क्यू फैक्टर का? 1/√L/C। पॉइंट फाइंड कर लेना कितना वैल्यू आ रहा है। क्या आया? ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर। ये मस्त क्वेश्चन। चलो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/Q फैक्टर क्या होता है? 1/R। फाइंड कर लेना, सारे वैल्यू दिए ये रहे देखो, C, R, N, L। और क्या फाइंड करना है बेटा? इट इज डिजायर टू इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट बाय रिड्यूसिंग इट्स फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम बाय फैक्टर ऑफ 2। क्या करना है आपको? फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम बाय फैक्टर ऑफ 2। देखो हमने ऐसा सीखा था कि जितना रेजोनेंस शार्प होता है ना उतना फायदा है। तो इसमें आपका बैंडविड्थ खाली इतना ही है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर रेजोनेंस इतना शार्प नहीं है
बैंडविड्थ भी चौड़ा रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको शार्पनेस को इंप्रूव करना है बाय फैक्टर ऑफ टू। अगर शार्पनेस आपको डबल करना है तो हाफ पावर बैंडविड्थ कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। ये कम शार्प है, ये ज्यादा शार्प है रेजोनेंस। सो वी राइट हियर टू इंप्रूव शार्पनेस बाय फैक्टर ऑफ टू, टू इंप्रूव शार्पनेस बाय टू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिक्रीज हाफ पावर बैंडविड्थ बाय टू, क्योंकि हाफ पावर बैंडविड्थ जितना कम होगा उतना शार्पनेस शार्प होता जाएगा, रेजोनेंस शार्प होता जाएगा। ओके, सो वी हैव टू रिड्यूस हाफ पावर बैंडविड्थ, क्या लिखा, हाफ पावर बैंडविड्थ बाय फ्रैक्शन ऑफ टू, बाय फ्रैक्शन ऑफ टू, डू यू अंडरस्टैंड दिस। चलो हाफ पावर बैंडविड्थ क्या होता है बेटा, आर बाय एल। आपको हाफ पावर बैंडविड्थ को आधा करना है, आपको क्या करना है, हाफ पावर बैंडविड्थ को आधा करना है, क्योंकि आपको शार्पनेस डबल करना है। शार्पनेस डबल करने के लिए आपको हाफ पावर बैंडविड्थ आधा करना पड़ेगा। ये वैल्यू आधा कब होगा, दो दो जरिया आपके पास है, या तो आप रेजिस्टेंस को आधा करो या फिर आप इंडक्टर को डबल करो। इसको आधा करोगे तो ऑटोमेटिकली हाफ पावर बैंडविड्थ आधा हो जाएगा, या इंडक्टर को डबल करोगे तो भी नीचे टू आ जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। सो आइदर, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, मेरा दिमाग बंद हो जा रहा है। क्या ब्रेक, आइदर रेजिस्टेंस इज हाफ्ड और इंडक्टर इज डबल्ड। अभी हम सापुतारा जा रहे थे ना, तो अभी तो कार चालू हुई, बैस्तान तक पहुंचे। मेरा एक दोस्त बोलता है ब्रेक लेना है, तुम्हारा जैसा ही अब ड्राइव पे जाते हैं तो ब्रेक लेते हैं ना बीच बीच में, मतलब एक डेढ़ दो घंटे के बाद ब्रेक लेना पड़ता है। तो बैस्तान पहुंच के बोलता है ब्रेक लेना है, ड्राइव पे जाते हो। मुझे छोटा था ना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की गाड़ी होगी, गाड़ी जितना तो मेरा घर था। तो भी कभी कभी मैं गाड़ी में कहीं जाता हूँ ना, तो लाइक मैं खुद को देख के ऐसा सोचता हूँ कि बहुत आगे बढ़ गए। चलो आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्किप नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो उससे पहले ना, बस अब और अत्याचार नहीं करना है, चार क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, 22 to 26। उसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर अभी करना है आपको, ठीक है। चलो अभी नहीं करना है, ठीक है, चलो छोड़ो। सो लास्ट 5 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट, ऑन ट्यूजडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड ट्यूजडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटा सा चैप्टर है, दो तीन थियरी, चार पांच न्यूमेरिकल, दो तीन दिन में खत्म करेंगे उस चैप्टर को।